सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया ट्रेवल बाय साइकिल का आज मेरा 178 डेज हो गया है एंड टुडे जर्नी इज स्टार्ट नाउ। और अभी हम लखपत विलेज को छोड़ के सीढ़ा जा रहे हैं मतानू मठ की ओर। और अभी टाइम हो गया है 10 और मेरे साथ हैं आशुतोष भाई। सो चलिए आज का जर्नी को बेहतरीन बनाते हैं। कंटिन्यू 20 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं लखपत तालुका। और ये रहा लखपत तालुका का मार्केट, कुछ इस तरह से है। ये 20 किलोमीटर बाद पड़ता है जहां से हम लखपत विलेज से चलने के बाद। ये रहा हमारा साइकिल और यहां पर थोड़ा देर रुकेंगे क्योंकि वो संपूर्ण भाई लोग आए नहीं हैं, तो लोग कब तक आते हैं देखते हैं, नहीं तो फिर यहां से 19 किलोमीटर रह गया मतानू मठ, तो फिर चलेंगे मतानू मठ। सो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच, जिसके बीच ये रोड बना हुआ है। और ये रोड भाई बहुत ही बेहतरीन है, साइकिल चलाने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बट थोड़ा सा धूप है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट साइकिल बहुत ही अच्छे से चल रहा है और आप एक बार में काफ़ी दूर तक खींच सकते हैं। आशुतोष भाई, कल आप जिस रोड में चले थे और आज के रोड में क्या फ़र्क है? रोड अच्छा है आज, आज काफ़ी बेहतरीन रोड है। हाँ, धूप की वजह से थोड़ा परेशानी आ रहा है, बाकी रोड में साइकिल चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या भाई, यहाँ का रोड काफ़ी मस्त है। बाकी सब पीछे हैं, देखते हैं कब तक आता है। तो अभी हम आ गए हैं आशापुरा मंदिर मतानू मठ में। और चलिए मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ, उसके बाद वहाँ का मंदिर का पूरा विशेषता बताता हूँ। सो ये है मार्केट पूरा, इधर भी एक मार्केट है और ये है मेन मार्केट। अंदर और रवि भाई अभी आ रहे हैं, देख सकते हैं अभी रवि भाई संपूर्ण भाई उठने में लेट हो गया था। तो ये मार्केट देख सकते हो कितना भीड़ है। इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा है इसलिए क्योंकि अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी चल रहा है ना, इसलिए। और ये है भाई रोहित भाई, ये लोग अभी आए, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और ये लोग अभी आ रहे हैं। और ये है मंदिर का मेन गेट। अब जानते हैं आशापुरा माता की विशेषता के बारे में। आशापुरा माता को कच्छ के प्रमुख देवी देवताओं में से एक माना जाता है। एक विशिष्ट विशेषता यह है कि आशापुरा माता की अधिकांश मूर्तियों में 7 जोड़ी आँखें होती हैं। आशापुरा माता के 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक राजस्थान के नाडोल जिला पाली में तो दूसरा गुजरात के कच्छ भुज में। माँ आशापुरा शाकंभरी देवी का ही एक नाम माना जाता है, जिनका प्रमुख शक्तिपीठ सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा राजस्थान के सीकर में शाकंभरी माता का मंदिर स्थापित है। तो आशापुरा माता का जो विशिष्ट जानकारी था मैंने आप लोगों को दे दिया है। और आज देखते हैं हम लोग का क्या होता है, रहने का और खाने का क्या व्यवस्था होता है, वो भी आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा। बाकी इस समय पर आशापुरा माता मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पड़ा है, 6 तारीख और 7 तारीख। तो हम लोग 6 तारीख को यहाँ आ गए हैं और आज भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, यानी 7 तारीख को। ये मैं 7 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप आगे। और अभी हम लोग आ चुके हैं भोजन करने, जहाँ पर फ्री में भोजन मिलता है। ये है आशुतोष भाई और ये देख सकते हैं चारों तरफ भीड़,
पूरा ज़्यादा भीड़ हो गया है, क्योंकि अभी जन्माष्टमी चल रहा है, इस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे नॉर्मल टाइम में खाली ही रहता है, तो आप लोग यहाँ फ्री में भोजन भी कर सकते हैं। सो ये रूम हमें मिला हुआ है, ये आशापुरा मंदिर में आशुतोष भाई सोए हुए हैं। ये एक बेड है, बाकी नीचे जगह है जहाँ पर हम लोग सो सकते हैं। तीन जन मतलब पाँच जन को इसी में सोना है। गद्दा वगैरह भी है, और ये बाथरूम और वॉशरूम भी है। सो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। सो हम लोगों ने बात किया था तो उन्होंने मान गया और फिर हमें ये रूम प्रोवाइड किया। कल 8 बजे तक हमें निकलना होगा यहाँ से, और कल फिर हम लोग निकलेंगे आगे की सफ़र की ओर। भीड़ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इस अभी गया था खाना खाने के लिए, तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या बताऊँ। लगभग मतलब 1.5-2 हज़ार आदमी तो खाना खा ही रहे होंगे, मतलब बहुत लंबा लाइन में रुके हुए थे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।